So thank you, Anand sir. Thank you so much for calling me to your place. It's an honor to meet you. And मैं बहुत excited हूँ आपकी बुक के बारे में जानने के लिए. पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे चैनल को देख के किसी ऑथर ने हमें कॉन्टैक्ट करा है. एंड आपने जैसे कि मुझे मेल में भी लिखा था दैट आप चाहोगे कि मैं आपकी स्टोरीज को अपने चैनल पे हमारे दर्शकों को सुनाऊं. सो मैं पहले आपसे सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ. आई नो यू बिलोंग फ्रॉम दी आई टी वर्ल्ड. एंड उसके बाद में सर ये जो एक्साइटमेंट वाला पार्ट है दैट आईटी के अंदर आप होने के बावजूद हाउ दिस राइटिंग का पैशन केम इनसाइड यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुव थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड यू रिस्पॉन्डेड वेरी वेल कि आपने ये कहा कि आप जरूर सुनना चाहेंगे कहानियाँ. यस आई वर्क विद आईटी इंडस्ट्री. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली ओनली फ्रॉम DU और उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी किया 2 साल GNIT एंड 1 ईयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस. आफ्टर दैट आई ज्वाइंड आईटी इंडस्ट्री वेयर आई वर्क विद एमएक्स एंड फिडेलिटी फॉर अराउंड 12 ईयर्स. तो उसके बाद आई शिफ्टेड टू राइटिंग. आई वर्कड एज अ फीचर कॉलमनिस्ट विद द इंडियन इकोनॉमिस्ट फॉर 1.5 ईयर्स एंड आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स इन 2016. सो इन 2017 मेरी पहली बुक रिलीज हुई नवंबर रेन. इट्स अ स्टोरी ऑफ एंग्लो इंडियन गर्ल एशले कोलमैन. उसके बाद लिटिल आनी जो एक छोटे बच्चे पर बेस्ड है, किस तरह से वो दिल्ली की स्टोरी है उसकी भी, जैसे वो रहा और टीन एज तक पहुंचा. आफ्टर दैट आई रोट गजाला. इट्स अ स्टोरी अबाउट DU प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट. Her name is Ghazala. She is doing MPhil from DU. तो ये उसके बारे में है. After that I wrote Revenge of a Man-Eater, जो ये मैंने बुक लिखी उसी के बारे में हम बात करने के लिए आज बैठे हैं. It's about man-eating tigers only. लीजिए आप जैसा कि दर्शकों को चाहिए था man-eaters के ऊपर stories. तीखा मसाला सर बैठे हैं. और आज आपने अगर thumbnail देखा होगा और आपने क्या टाइटल देखा होगा तो exclusively हम लोग पहले रिवेंज ऑफ अ मैनिटर के बारे में बात करेंगे. दिस इज अ बुक है. दिस इज द बुक एंड ये Amazon पे अवेलेबल है. Flipkart पे भी अवेलेबल है एंड Amazon पे इट्स गॉट रीडिंग ऑफ 3.9 आउट ऑफ 5. दैट इज फैंटास्टिक. मैंने खुद पर्सनली देखा है एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज परचेज दिस बुक. जितने भी टाइगर लवर्स हैं एंड स्पेशली मैनिटर्स के बारे में जो जानना चाहते हैं प्लीज आप इस बुक को पढ़िए. अनुज सर ने लिखी है. और साथ ही में एक्सक्लूसिवली वी विल टॉकिंग अबाउट अदर मैन ईटर्स आल्सो. या टुडे वी विल टॉक अबाउट अदर नोटोरियस मैन ईटर्स. हम टाइगर्स के बारे में तो बात करते ही हैं बट देयर हैव बीन फ्यू लायंस आल्सो एंड सावर लायंस सभी जानते हैं. मोस्टली लोगों ने मूवी आई थी द घोस्ट एंड डार्कनेस तो उसकी वजह से उसके बारे में जानते हैं. पर कुछ एक मैन ईटिंग लायन के बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा जिसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता है एंड इट्स अ ड्रेडफुल स्टोरी इन अ सेंस कि इट्स वेरी थ्रिलिंग एंड वेरी करेजियस लायन. तो वो जो हुई थी घटना उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जरूर. लेकिन उससे पहले मैं अपनी बुक्स की कुछ कहानियों के बारे में डिस्कस करता हूँ. इसमें टोटल 7 स्टोरीज हैं ध्रुव. और पहली स्टोरी जो है उसका नाम है, बुक अगर आप जब लेंगे तो पहली स्टोरी आएगी द शुगर केन टाइगर्स. वो टाइगर्स के बारे में ही है. ये स्टोरी बेस्ड है कि एक जो टाइगर्स है उसके बच्चों को ह्यूमंस मार देते हैं. देन शी टर्न्स रिवेंजफुल. तो इसमें छोटा सा मैं सबका जो 6 स्टोरीज है उनका मैं छोटा सा ही प्लॉट डिस्कस करूँगा. मेन स्टोरी मैं लेंथ में डिस्कस करूँगा. तो जो शुगर केन टाइगर्स है इसमें एक जो लेखक है वो कॉर्बेट जाता है और सफारी लेता है डिकाला जोन में. और प्लॉट ये है कि उनकी जो जिप्सी है इवनिंग सफारी में थी वो रास्ते में ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पे किसी कारणों से उनके वहीं पे रह जाते हैं. और किसी को मालूम क्योंकि वो अकेले ही वहाँ पे रह जाते हैं, आगे वाली जिप्सी जा चुकी होती है और कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं है. फिक्शनल है बेसिकली, आप एज्यूम कर सकते हैं. कोई ये ट्रू स्टोरी नहीं है कि आप कहें कि ये ट्रू स्टोरी ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, बट एक फिक्शनल है कि उनके साथ क्या होता है. तो ड्राइवर जो है वो सजेस्ट करता है एक आयरन मचान है तो हम वहाँ पर चलते हैं. वहाँ पर नाइट गार्ड आता है, रेंजर आता है रात को जो उसकी ड्यूटी लगती है. तो उसको हम बताएंगे तो हमारे को एक जिप्सी अरेंज हो जाएगी, हम यहाँ से निकल पड़ेंगे. उनके साथ एक न्यूली मैरिड कपल भी पीछे सीट पे होता है तो वो उसको तिरपाल से कवर करके ढक के और वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितनी दूर वो मचान था तो वो इवनिंग में, जबकि हमें पता है कि उतरना मना है
पर कोई चारा नहीं था उनके पास, तो वो उस आयरन मचान तक वो जाते हैं कि हमें कोई मदद मिल सके, और वो कपल को वो त्रिपाल से ढक जाते हैं। और उस जब वहाँ जाते हैं, अभी आया हुआ नहीं होता फॉरेस्ट गार्ड, तो नीचे जो ड्राइवर है वो थोड़ा बैठ जाता है कि अब हम पहुँच गए हैं, और जो लेखक है वो साथ में ही खड़ा होता है कि देखो, मतलब वो थोड़ा आसपास नज़ारा देख रहा होता है। अब ये चूँकि शुगर केन टाइग्रस है, तो मोस्टली क्या है कि जितने भी छोटे छोटे गांव होते थे, अभी भी जैसे हम सुंदरखाल का आप नाम सुनते ही हैं कि गांव बीचों बीच रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन एंड जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क उसके बीच में पड़ता था, तो उसमें कॉरिडोर के बीच में वो गांव था, तो वो सब जा चुके होते हैं, तो उनकी फील्ड्स रह गई होती हैं वहाँ पर, तो शुगर केन टाइग्रस जो है उसी एरिया के आसपास अपना ठिकाना बना लेती है। तो बस अब इसके बाद यही है कि जब वो इतना में देख ही रहे होते हैं, द बिग हेड कम्स आउट ऑफ शुगर केन फील्ड, और ड्राइवर नीचे बैठा है, लेखक उसके साथ खड़ा है, और आयरन मचान सामने ही है, और अभी गार्ड नहीं आया हुआ। उसके बाद क्या होता है, वो ड्राइवर को मारती है या लेखक को मारती है या दोनों ही बच जाते हैं, और ये प्लॉट क्या है जिप्सी का ख़राब होने का, कि ऐसे कभी सुना नहीं है कि ख़राब हो जाए, और वो कैसे वो बीचों बीच जंगल के ख़राब हो जाती है या उसे ख़राब किया जाता है, तो ये थोड़ा थ्रिलिंग स्टोरी है, किस रीज़न से ये होता है, तो उसके बारे में वो आप जब लेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और मैं सर इसमें ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं एक क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शनल हो, मैं कदर करता हूँ कि इमेजिनेशन, जैसे कि एक ऑथर, एक मतलब कह सकते हैं कि एक फिल्म मेकर सोचता है, उसको पेन डाउन करता है, विजुअल्स उसमें डालता है, डीप कल्पनाओं में, एकदम कल्पनाओं के सागर में खो जाता है, बिल्कुल, एंड देन वो एक छोटी सी प्यारी सी बुक ड्राफ्ट करता है। तो मैं ये बोलता हूँ क्योंकि बचपन में सर जब हम छोटे थे, वी हैव ऑल बीन अ बिग फैन ऑफ द मूवी जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग की कल्पनाएं थी, मोगली, शेर खान एंड शेर खान से ज्यादा इसमें एक चैप्टर का नाम शेर खान भी है, वो मेन स्टोरी का ही है, रिवेंज ऑफ फरमैन, वो शेर खान ही बदला लेता है, शेर खान ही है, शेर खान मिलेगा आपको इस किताब के अंदर। और यही बोलना चाहूंगा सर, आज भी कभी कभी मेरा मन करता ना, तो मैं अभी भी वो डीडी पे आया करता था जंगल बुक, कभी खाना खा रहा होता हूँ तो मैं जरूर वो पुराने वाले उस दौर को याद करता हूँ, और मैं देखता हूँ जिसमें नाना पाटेकर सर ने अपनी वॉइस दी थी शेर खान की, बहुत चीजें थी, आज भी देखने मजा आता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये अब सर की कहानियां जो हैं, ये सर ने लिख तो दी, सर ने आधा काम कर दिया है, सुनाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल शो, मैं बिल्कुल आपको बुक जरूर, ये बुक लेंगे, इसको पढ़ेंगे और जरूर आपको सुनाएंगे कहानियां, और अपने वे में सुनाएंगे जो इनका सुपर वे है कहानी बताने का। मैंने इनकी बहुत कहानियां सुनी है, और महान मैनिटर उसके बारे में भी सुना है, तो जरूर ये सुनाएंगे आपको। तो अभी शिमला आपने मुझे कॉन्टैक्ट करा, मैं वैसे ही अपने चैनल के लिए स्टोरीज ढूंढ रहा था, मेरे को आइडिया ये जब आया था लिखने का, सेवन मैनिटर्स, मैनिटर्स पे तो लिखा ही था कि मैनिटर्स क्यों बनते हैं, ये सब पहले लगता था, लेकिन एक छोटा सा मैं बस बीच में इंटरप्ट करके कहानी के बीच में एक डालता हूँ कि मैं जैसे दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, आपको यकीन होगा, यकीन नहीं मानेंगे आप, कि दिल्ली शहर में जो जिसे हम धोला कुआं कहते हैं, रायसाना हिल्स एंड पुराना किला वाला एरिया, तो ये सब एरिया, आई मीन अगर आप जब म्यूटिनी हुई थी 1857 की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक, ये गूगल में भी है आप पढ़ेंगे तो, एक जो क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसने एक ही दिन में दिल्ली में 50 बाघ का शिकार किया था, 50 टाइगर्स ही किल्ड इन अ सिंगल डे, और आज ये जितने फॉरनर्स एंड यूरोपियंस एंड अमेरिकन हमें ज्ञान देते हैं कि हम कंजर्व नहीं करते, जस्ट लुक एट देम, इनकी क्वीन आके आप वीडियोस भरे पड़े हैं कैसे शूट करते थे, है कि नहीं, तो ये टाइगर्स ऐसे कम नहीं हुए हैं, बाघों के दिल्ली के अंदर 1857 में एक ही दिन में 50 बाघ का शिकार किया गया था, सोचे कितने बाघ दिल्ली में ही थे उस टाइम पे, और ये कोई ज्यादा टाइम नहीं है, इसको सोचा भी नहीं होगा आज तक, 150 साल पहले दिल्ली, ये मैं एरिया बता रहा हूँ आपको प्रॉपर, वो लाल किला में ही कैंप लगता था उनका, जैसे इनकी छावनी थी, तो वहाँ पे रुक के उसका दिन का लेजर टाइम स्पेंड करना था, उसने एक ही दिन में 50 बाघ किए, और ये मैं डॉक्यूमेंटेड पे कह रहा हूँ, आप अगर बुक्स देखेंगे, सुपर नेचुरल एंड मैन ईटर्स नाम की किताब है जो अराउंड अर्ली 19th सेंचुरी में
हिक्स नाम के हैं, उनका भी नाम है फ्रेडरिक हिक्स, कुछ ऐसे नाम है। ये नहीं कि मैंने ऐसे ही पढ़ी है, मैंने वो किताबें भी पढ़ी हैं, मतलब आज से 200 साल पुरानी मैन ईटर्स के बारे में लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं, तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। पता इन्होंने ये करा है इन अंग्रेज़ों ने, और आज ये हमें कहते हैं कि हम कंजर्व नहीं करते, अवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, अवर गवर्नमेंट इज़ वेरी वर्किंग वेरी हार्ड, और हम पे फिर भी ब्लेम किया जाता है कि देखो जी, जबकि इंडिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा टाइगर्स पे कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। आई एग्री विद यू सर। लेकिन ये अंग्रेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते कि व्हाट दे हैव डन हेयर इन इंडिया। लेकिन टाइगर देखने इंडिया ही आएंगे। टाइगर देखने इंडिया आएंगे। खैर अब तो इंडिया इंडियन टाइगर इनके प्राइम मिनिस्टर ही बन गए हैं। कल ही सर, मुबारक हो आपको भी। आपको भी मुबारक हो मिस्टर ऋषि सुनक, बिग फैन ऑफ हिम, सच अ कॉन्फिडेंट मैन एंड nice, confident, good looking guy. तो चलो इंडियन टाइगर्स आर रूलिंग यूके। हाँ जी सर। हाँ अब मेन स्टोरी शेर खान, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ये जो बुक, ये जो कहानी है रिवेंज ऑफ अ मैन ईटर, उसके अंदर में इस कहानी में खासकर ये है कि जो शेर खान नाम का टाइगर है ये बदला लेता है। आमतौर पर सुना नहीं है कि बाघ बदला ले सकता है, स्टॉक करता है, पीछा करता है। हम बहुत वीडियोस में देखते हैं कि जिप्सी के पीछे भाग रहा है या किसी को देख के पीछे पीछे, रणथंभौर जैसे फोर्ट वहाँ पे मंदिर भी है तो दिखाया हुआ है कई शॉट्स में कि लोग श्रद्धालु जा रहे हैं तो बाघ पीछे से उन्हें देख रहा है, थोड़ा बहुत चलता भी है पर कभी उन्हें तंग नहीं करता। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे होती है कि एक वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है, फोटोग्राफर है, वो ढिकाला जोन की तरफ या जो भी कॉर्बेट का जोन है वहाँ पर जा रहा है, तो एक वो फ़ोटो खींचता है तो इसे एक मॉक चार्ज बाघ देता है, तो जैसे हिंदी में बोलो सिंपल शब्द में तो घुड़की देना, तो वो डर के हमारे बैठ जाता है। तो ड्राइवर जो है बांके वो उस पर हंसने लगता है, कहता है सर आप डर गए, कहता नहीं बाघ मेरे को घुड़की दिया तो मैं डर गया थोड़ा पीछे, कहता आप वाइल्ड लाइफ के बारे में सुना जानते नहीं है, ये कॉर्पोरेट के टाइगर्स हैं, ये ऐसे किसी को तंग नहीं करते, आपको कुछ नहीं कहेगा, ये नॉर्मल टाइगर है। तो वो उसे कहता है नहीं मैंने सुना था सुंदर खाल का एक मैन ईटर हुआ है तो आप नहीं कह सकते कि मैनेजिंग टाइगर नहीं होते। कहते हैं आपको जानकारी तो खैर कम है बांके जो कहता है ड्राइवर, लेकिन लगता है आप बड़े थ्रिलिंग कहानियों को लेके आपको सुनने का बड़ा शौक है। कहता है हाँ थ्रिल तो मुझे होता ही है जब मैं सुनता हूँ ऐसी कहानियाँ कि कहीं पे निशाना बनाया गया बाघों द्वारा। तो कहता चलो फिर आप ढिकाला जोन में आप रात को रुकोगे, मैं भी वहीं पे आप ड्राइवर्स रुकते हैं रात को तो बॉनफायर भी लगाओगे या कुछ बैठेंगे तो मैं आपको थ्रिलिंग स्टोरीज एक सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ। तो वो कहता है कौन सी सच्ची कहानी, तो कहता है आदमखोर बाघ के बारे में जिसने आदमी का शिकार किया, रिवेंज लिया उसका उससे। तो कहता है कि ये तो थ्रिलिंग है, चलो बैठ के बात करते हैं। देन एट नाइट बांके वहाँ पे बैठता है, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि वो बताता है कि बांके जो ड्राइवर है वो बताता है कि मेरे परदादा जो थे गोविंद जो थे उस टाइम परदादा अपने ग्रैंडफादर जो हो गए तो गांव में ही रहते थे, जंगल के बीच में रहते थे, तो उस टाइम पे कॉर्बेट रिजर्व नाम का टाइगर नहीं था, उस टाइम पे जिम कॉर्बेट साहब जा चुके थे लगभग वहाँ से और अंग्रेज़ भी जाने की तैयारी कर रहे थे, तो जिस गांव में वहाँ रहते थे वहाँ पे एक खान नाम का इंजीनियर आता है, वो अपना उसको एक अंग्रेज़ों ने डैम का काम सौंपा था कालागढ़ की तरफ में, तो उस डैम पे कुछ काम था इंजीनियरिंग का, तो एक इंजीनियर था तो वो आता है तो उसे अंग्रेज़ अफसर कहते हैं जब आप डैम की तरफ जाओगे कालागढ़ की तरफ तो रास्ते में आपको ये गोविंद नाम का मिलेगा। तो अंग्रेज़ आते रहते थे गांव में तो कहते थे वो भला आदमी है आपको नाइट स्टे करा देगा। खुश हो जाता है खान, चलो ठीक है, वो सफ़र करके आता है पैदल चलता वो अपना सामान लेके, तो जब वो गाँव में पहुँचता है वहाँ पर सन्नाटा, कोई नज़र नहीं आता, तो वहाँ से गोविंद दिखता है, उसे मिलता है वो जाके, तो दोनों बैठते हैं तो कहता है कि गांव में कोई हलचल नहीं है, मैं सारे रास्ते आया मुझे ना पक्षियों की आवाज़ आ रही ना मुझे कोई अलार्म कॉल आ रही और बड़ा ही सन्नाटा है आपके गांव में, क्या बात है। तो वो उसे बताता है कि सर आप कहां से आए, तो उसने बताया कि मैं खान हूँ, मैं डैम पे जा रहा हूँ, अंग्रेज़ ने कहा था कि आपके यहाँ रुकना, तो उनका वेलकम करता है। कहता है ये लगभग 2 महीने से ये हाल है, तो 2 महीने से हम गाँव वाले शहर की तरफ नहीं गए हैं जंगल पार करके, ना ही कोई रनर आया है कोई मैसेज लेके, तो यहाँ पे सब सन्नाटा ही है। तो पूछता है कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे जो इतना वो, कहता हम आपको बताएंगे रात को अपना बैठे हुए खाना, तो खाना पीना भी उसे देता है तो बासी सा ही खाना होता है कोई खास फ्रेश नहीं, दूध वूध रहा देता है। तो कहता है कोई आपके अनाज वनाज भी कोई फ्रेश नहीं लग रहा, क्या हो गया। कह रहा हमने आपको बताया ना हम जा नहीं पा रहे बाहर। तो कहते किस वजह, कहता है यहाँ पे एक कपल है मैन ईटिंग टाइगर एंड टाइग्रेस, उनकी वजह से हम जा नहीं पा रहे, उन्होंने आतंक डाया हुआ है
लगभग 2 महीने से। तो कह रहे हैं आपने कुछ किया नहीं इसके लिए, कहीं कॉन्टैक्ट, कहते हम जाएंगे तो हम कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो कहते कोई वहाँ से भी नहीं आ रहा, तो कहते यही हमें समझ नहीं आ रहा वहाँ से क्यों नहीं आ रहा, कहता हो सकता है वहाँ से भेज रहे हो लेकिन वहाँ यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे होंगे। तो इस तरीके से वो बात उनको बताता है। खैर रात बीतती है, तो इतनी देर में वो जो गोविंद है वो गन की तरफ देखता रहता है बार बार, तो खान उसकी तरफ देखता है तो उसे कहता है कि तुम इस गन को मत देखो, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। तो कहता नहीं मैं वैसे ही सोच रहा था, गन को मैं देख रहा था कि बहुत अच्छी गन है यहाँ पर। तो उसने कहा ये हमें हाथियों को भगाने के लिए सरकार ने दी है, किसी बाघ को मारने के लिए नहीं दी है। तो गोविंद चुप कर जाता है, थोड़ा मायूस सा भी होता है, सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, अब तैयारी करने लगता है खान, तो सुबह भी वही कहता है कोई यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ नहीं है, कोई आना जाना नहीं है जानवरों का, जंगलों का, कोई लंगूरी कोई आवाज़ दे, कॉल दे, या कोई क्या है यहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा। कह रहा है यहाँ ऐसे ही रह रहा है, अब क्या कर सकते। तो कहता चलो जो भी है, आपने मुझे खातिरदारी की, अब मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी है डैम की तरफ खालागढ़, तो मैं टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ से पहुँचने में। तो कहता मैं ध्यान रखूँगा कि टाइगर और टाइगर्स का जैसा तुमने बताया। तो कहता है उस गोविंद कहता है कि एक काम मेरा आप छोटा सा कर दो। वो कहता है बताओ। कहता है मेरी गायें हैं वो मेरे को मिल नहीं रही, वो शायद नाले के पास हरी घास है तो वहाँ खाने गई हुई है, तो क्या आप मुझे मेरी गाय को ढूंढने में मदद करेंगे, तो या उसको वापस ला देंगे, नहीं तो मैं तो दूध भी नहीं है मेरे पास रहेगा। तो कहता है कि आपके 4-5 घर और तो हैं यहाँ पे, तो आप उनसे मिल बांट के गुजारा कर लो, छोटा सा ही गाँव है आपका, कोई इतना वो नहीं है। कह रहा पर मेरी गायें तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं कर रहा, बाघ को आपने मारने को मना कर दिया, मैं आपकी बात मान गया, मुझे बस यहीं नाले तक ले चलो, बंदूक आपके पास है, मैं थोड़ा अकेला जाने में डर रहा हूँ। तो कहता चलो। अब ये हमने बहुत टाइम जिम कॉर्बेट कहानी में भी सुना है, पढ़ा है कि जब किसान कहते हैं कि हमें क्रॉप्स काटनी है आप प्लीज़ खड़े हो जाओ, तो वो खड़े होते हैं तो वो फटाफट अपनी थक मैन ईटर में था शायद ये, तो फटाफट क्रॉप काटते हैं अपना राय। तो ऐसे ही उसने भी रिक्वेस्ट करी, तो खान चल पड़ा उनके साथ। अब होता ये कि खान और गोविंद जा रहे हैं गाय को ढूंढने के लिए नाले की तरफ, नाले के पास में स्ट्रीम है। ये जो शेर खान और उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो मैन ईटिंग टाइग्रेस हो गई है उसी को देख के ये दोनों इकट्ठे ही हमला करते हैं आदमियों पे। तो ये समझ लीजिए आपकी पहाड़ से उतर के अब नीचे आए हैं, तो ये जो मैंने इमेजिनेशन में एरिया दिखाया है ये इधर का धनगढ़ी के आसपास का सुंदरखाल से थोड़ा अंदर इंटीरियर गांव की तरफ का दिखाया है कि ऐसा कुछ रहा होगा कि वो थोड़ा नीचे आ गए भरी सर्दियों में और मैदानों में और यहाँ वो मैन ईटर बने हुए हैं। ये इधर से जा रहे हैं गाय को ढूंढने नाले के पास, इधर से शेर खान उसकी गर्लफ्रेंड पानी की तरफ, उधर से सोत्र से सोत्र की तरफ वो, उधर से वो आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं, बीच में नाला पड़ रहा है। अब इन दोनों को नहीं पता कि शेर खान और उसकी गर्लफ्रेंड इधर की तरफ आ रहे हैं, और उनको भी नहीं पता कि दो आदमी हमारी तरफ आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात होती इससे पहले ही नाले के पास से, घास के पास से गायें निकल आती है, तो उससे इनका आमना सामना होना तो बच जाता है, लेकिन वो गायें दौड़ पड़ती है स्ट्रीम की तरफ, वहां बैठा है शेर खान और वो उसकी गर्लफ्रेंड जो आ रहे होते हैं, वो उसको देखते हैं और तुरंत मार देते हैं। अब यहाँ पे गोविंद अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, मेरी गाय को मार दिया। तो खान भी कहता है हाँ ये गलत हुआ जो हुआ, तो गोविंद रोने लग जाता है, जैसे भी है धीरे रोता है तेज़ रोता है वो नहीं दिखाया मैंने, लेकिन वो रोने लग जाता है वहाँ पे। अब थोड़ी सी दूरी पे वहाँ पे वो अपना नाश्ता पानी अपना करके शेर खान मार के बैठे तो इधर ये खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो खान उसको कहता है अब जो हो गया सो हो गया, अब चलो अब तुम जाओ मैं अपना जाऊँ, तुम्हारी गाय को तो आ नहीं सकते। तो इधर उसका पाँव पकड़ लेता है गोविंद खान के कि देखो जी सामने दिख रहा है शेर खान और उसकी, हमारे को मुक्ति दिला दो, इनको आपके पास गना यही मार दो और हमारा छुटकारा हो जाए इनसे आतंक से। तो खान पहले तो डरता है, बड़ा मना करता है कि मेरे को आदत नहीं है, बेशक वो नवाब्स की फैमिली को मैंने दिखाया स्टार्टिंग स्टोरी में कि बिलोंग करता था जाते थे शिकार पे, लेकिन वो मैन ईटिंग टाइगर या टाइगर्स को मार सके उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गन नहीं उठाएगा उसके लिए। पर गोविंद वहीं पे उसके पाँव पकड़ लेता, उसे हिलने नहीं देता वहाँ से, और शोर भी नहीं कर सकता खान ज़्यादा। अब उसमें खान जब अपनी राइफल चेक करता उतारता, उसके पास बुलेट्स तो होती हैं, तो मैंने ये दिखाया स्टोरी के अंदर कि उसके अंदर लोडेड 3 गोलियां हैं। अब वो सामने शेर खान है जहाँ से 50 या 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी, अब वो उसको कहता है कि मैं, उसके मन में विचार आता है कि मैं अगर राइफल को खोल के लोड करने की दो कोशिश करूँगा तो इसमें टाइम भी लगेगा और इसमें आवाज़ भी होगी और वो चार्ज कर देगा हमारी तरफ, तो उसे कोई चारा नहीं दिखता। तो वो कहता चलो मैं 3 गोलियां हैं
कोशिश करता हूँ दोनों को मार दूँ, नहीं तो कोई एक को तो मार ही दूँ, थोड़ा इनको सब्र आए। तो वो एक ऐसे पेड़ पे गोविंद को चढ़ने का इशारा करता है, तो गोविंद चढ़ जाता है पेड़ पे, लीव से ढका होता है तो गोविंद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन खान एक अपने ऐसे एंगल पे पेड़ पे चढ़ जाता है जहाँ से उसे वो दोनों नज़र आ रहे होते हैं। अब बागिन जो है वो पानी में अठखेलियाँ कर रही है और शेर खान वहीं पर बैठा हुआ उसके सुस्ता रहा है, देख रहा है और वो खेल रही है, खाना वाना खा लिया, थोड़ा मस्ती करते हैं जैसे बाघ होते हैं पानी में पीने जाते हैं, तो वो वहीं पानी पे ही बैठे हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। किसी तरह खान एक पेड़ पर चढ़ जाता है और बिना कोई आवाज़ किए एक गोली सीधा टाइग्रस को मारता है। टाइग्रस तो वहीं पे लग जाती है गोली। तो जो शेर खान है अब उसको लग रहा होता है खान को कि ये मेरी तरफ दौड़ेगा, मैं लोड करके उसको मारूंगा, लेकिन एज वी नो वी हैव रेड सो मैनी टाइम्स जब भी बाघ आदमखोर हो जाता है तो एक सर्टन काइंड ऑफ कॉवर्डेस उसमें आ जाती है, डरपोकपना, वो अपने आप को जाहिर नहीं करता। आदमखोर बाघ जो हमेशा पीछे से हमला करता है, कभी आपको सामने कन्फ्रंट नहीं करेगा। तो जो इसको लग रहा था खान को कि शेर खान मेरी तरफ आएगा, वो उसने ऐसे नहीं किया। जब उसने गोली मारी तो शेर खान ने देखा तो सही कि गोली कहाँ से आई, वहाँ पे शेर खान और खान जिन जिन दोनों की नज़रें मिली। शेर खान ने एग्जैक्टली देख लिया खान उस पेड़ पे है और इसने गोली चलाई है, इसने कुछ मार, आई कॉन्टैक्ट हो गया। बाघों को आमतौर पे हम कहेंगे कि जो पढ़ते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि बंदूक है इसमें कुछ गोली है, पर हमेशा जितनी आप स्टोरीज पढ़ोगे जो भी रिसर्च हुई है उनको ये पता होता है कि इंसान के हाथ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दुश्मन है। ये केनेथ एंडरसन ने भी अपनी किताबों में बहुत बार मेंशन किया है कि ये हमें हार्म कर सकती है। तो आई कॉन्टैक्ट हो गया खान का और शेर खान का, शेर खान ने बैक गियर दुड़की लगा ली जंगल की तरफ घने। तो इस बारे में कहानी है और बाकी जो बची बची है कहानी मैं खोलूंगा बिल्कुल। और ये मेन कहानी है ये रिवेंज ऑफ अ मैनिटर कि शेर खान कैसे बदला लेता है खान इंजीनियर से, क्या वो ले पाता है, क्या ये बच जाते हैं या ये खिड़की से फायरिंग करके मार देते हैं, और गोविंद कैसे पहुंचता है गांव अपने। तो ये कुछ सस्पेंस ऐसा है, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है और कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ने में। मैंने भी इसका एंड नहीं पढ़ा बाय द वे, एंड तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज मैं पूरा रीड करूंगा फिर उसको मैं स्क्रिप्ट करूंगा ड्राफ्ट। एंड थ्रिलिंग है, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, एंड थ्रिलिंग है, काफ़ी थ्रिलिंग है और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे एंड पढ़ के। थोड़ा ह्यूमरस भी है लास्ट में, एलिमेंट मैंने डाला है, थ्रिलिंग बहुत ज़्यादा है। एंड ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सर के रिव्यूज आप अमेज़न पे भी चेक कर सकते हैं, बहुत लोगों ने और अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं एंड लोगों ने मिक्स रिव्यूज, या मिक्स रिव्यूज हर कोई देता है, कोई बात नहीं, वो इट्स पार्ट ऑफ इट, वी हैव टू एक्सेप्ट जो एवरीथिंग एवरीथिंग व्हेदर इट्स अ नेगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट वी एक्सेप्ट इट। तो वो एक क्रिएटर की पार्ट ऑफ लाइफ है यार, उसमें उसको वो सब करना पड़ता है। बाकी जो कहानियां हैं वो उतनी ही थ्रिलिंग है, थोड़ी से छोटी है बट थ्रिलिंग उतने, थ्रिल इतना ही है। और खासकर द हॉन्टिंग ऑफ अ मैनिटर, वो एक जो भूता टाइगर है तो वो भी थ्रिलिंग ही है, सुपर नेचुरल एलिमेंट है। बाकी कॉर्बेट डायरीज है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में है, ऐसे ही द टेल ऑफ अ केयर टेकर है कि वो केयर टेकर के बारे में है, कि पावलगढ़ रेस्ट हाउस मैंने दिखाया है उसमें तो उसका केयर टेकर के बारे में है। इमेजिनेशन है, फिक्शन का सच मत समझ लेना। कि हम सर को बोलते हैं कि सर काल पार्ट टू भी आप ड्राफ्ट करो। एक्चुअली में मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने सर एक्चुअली में मुझे काल की सेकंड जो पार्ट है उसका पूरा ड्राफ्ट करके भेजा, इट्स स्टिल विद मी ऑन मेल एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैसी जोड़ी है जो पहली काल है विवेक ओब्रॉय और अभी भी वो जब मैं पढ़ रहा था ना, मैं आपको भी वो जरूर ड्राफ्ट दूंगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप करण जौहर जी अनुमति दें या शाहरुख खान जी अनुमति दें तो हम कुछ कर सकते हैं, कि मतलब पिक्चर तो नहीं बना सकता हूं मैं बट ऑब्वियसली एक कहानी जरूर बना सकता हूँ। कहानी बना सकते हैं, नहीं जरूर, वेब सीरीज का भी टाइम लगे तो जरूर बन सकती है इन सब पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे मेरे में 7 कहानियाँ हैं तो मे भी आजकल तो थोड़ा अभी फोकस आ रहा है मेरे, मतलब अभी शेरनी मूवी आई, रानी विद्या बालन शेरनी मूवी आई, अभी पंकज त्रिपाठी जी की मूवी आई शेरदिल, तो अब इस पे फोकस आ रहा है टाइगर्स के ऊपर। हो सकता है वेब सीरीज कोई बनाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, रिवेंज ऑफ अ मैनिटर पे बनाना चाहे मोस्ट वेलकम। तो मैं तो चाहता हूँ बने और थ्रिलिंग बने, बहुत बने, और मैं तो चाहता हूँ पंकज त्रिपाठी जी को गोविंद के किरदार में, गांव वाले के किरदार में देखना कि वो प्ले करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा पंकज त्रिपाठी जी को शो बुलाने की, बॉम्बे में हूँ। हाँ शो
मैंने जब ये करा था ड्राफ्ट तो कहानी लिखी भी थी, तब उस टाइम मेरे हमेशा से ध्यान यही था कि गांव वाले का जो किरदार है वो करें पंकज त्रिपाठी जी, मुझे उनको बहुत ब्रिलियंट एक्टर, बहुत टैलेंटेड, अब उनकी शेर दिल आई है तो मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो शेर के ऊपर मूवी, बाघ के ऊपर मूवी पे, सॉरी शेर कह रहा हूँ, बाघ के ऊपर मूवी है जो उस पर किया है उन्होंने, बट ही विल फिट, ही विल डू जस्टिस टू दिस रोल। बट दैट्स अ रियल स्टोरी सर, पीलीभीत के अंदर वो तो हाँ वो रियल स्टोरी है, ये फिक्शन है। मैं अपने आपके सब्सक्राइबर्स को जो भी हैं वो कहना चाहता हूँ कि ये फिक्शन है बट थ्रिलिंग है, तो आप इसे सच समझ के मत पड़िएगा कि ढिकाला में गाड़ी खराब हो गई, वो फंस गए तो उनके पास सैटेलाइट फोन नहीं थे तो फिर वो क्या पैदल जाएंगे आयरन मैन मचान तक, ये सब थोड़ा फिक्शन कॉर्बेट डायरीज है कि लड़के ग्रुप के जाते हैं तो वो नीचे उतर जाते हैं बाघ को देख के, जो कि मना नहीं करना चाहिए, तो ये सब फिक्शन है, आप उसको फिक्शन के तौर पर पढ़िए, बट थ्रिल बहुत है, तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। जब तक थ्रिलिंग है हमारी ऑडियंस को सर पसंद आएगी। रात की तरफ पढ़िएगा, रात के टाइम पढ़िएगा और सोने से पहले नीचे चेक करना बात तो नहीं है कहीं। हम भी बोल रहे हैं। तो सर ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया बुक के बारे में। अब आते हैं कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आप लोगों को दैट वी विल बी एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट मैन ईटर्स लायन, तो चलो लायन से शुरुआत कर लेते हैं सर ने जैसे बोला, एंड मैंने भी अभी तक लायंस के बारे में ज्यादा चैनल पे बात नहीं करी है। देखिए सावर लायंस तो सबने पढ़ा, सबने मूवी भी देखी है, नो डाउट बड़े ही ड्रेडफुल थे, फ्राइटनिंग थे, नो डाउट। ये जो लायन है, लायन ऑफ कीमा अफ्रीका में जो हुआ है, ये भी उतना ही करेजियस और फ्राइटनिंग था। इसके टारगेट पे बेसिकली रेलवे ऑफिशियल्स रहते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये सावो के बाद में, इस सावो के बाद में, ये 1900 का किस्सा है। 1900 इसमें हंटर है जो हंटेड हो गया था, उसी को मार दिया गया। जो लायन ऑफ कीमा था ये बेसिकली क्या था कि ये रेलवे प्लेटफॉर्म, जो रेलवे जंगल है आसपास का, तो वहाँ के आसपास ही घूमता था और रेलवे ऑफिशियल्स को मारता था ज़्यादा। तो एक टाइम पे एक बार किस्सा ये हुआ कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चार्ल्स रायल, एक लड़का है, ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं है, 22 साल का रहा होगा, वो अपने दो दोस्तों के साथ, एक इटालियन और एक जर्मन, वहाँ से जा रहा था अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। तो उसने जो है वहाँ पे रुके प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने चेंज करना था जो था, तो बैठे हुए उन्होंने प्लेटफॉर्म पे सुना, कहते ये क्या बात है, मैन ईटर है, मुझे बताओ मैं मारूंगा, डरने की क्या जरूरत। तो दोपहर के टाइम वो अपना लंच वंच करके, थोड़ा तफरी करके जंगल में आसपास देख रहे, तो कहाँ बात वही हो गई कि लायन था उधर की तरफ में तो छुपा हुआ था, ये तीनों घूम रहे थे, तो दो निहत्थे थे, सुप्रीनो पुलिस के पास गन थी टारगेट, उसने देखा इसके हाथ में कुछ है, तो लायन को पता उस पर पहले भी फायरिंग हो चुकी थी, तो पता था यही बंदा है मेरा टारगेट, ये मुझे मारने आया, तो अब इसको तो मैं छोड़ूंगा, तो यहाँ वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं उन्होंने प्लान बनाते हैं, तो एक ना रेलवे कैरेज सा होता है जैसे डिब्बा, उसकी फ़ोटो अभी रेलवे म्यूजियम पे है, मैंने भेजी है ध्रुव भाई को भी, वो शायद शेयर करेंगे अपने चैनल पे, और किस तरह से लायन आया और गया वो भी मैंने फ़ोटो शेयर किया, तो वो भी शेयर करेंगे आपको, तो आप देख समझ पाएंगे कि हुआ क्या था। ऐसा तो नहीं था जैसे पैटरसन ने गोस्ट एंड डार्कनेस के अंदर जो रेल का कंपार्टमेंट जो था जिसके अंदर बिल्कुल बंदों को रखा था और बीच में वो ग्रिल थी, वो तो एक्चुअली एक वो एक मालगाड़ी का डब्बा था, ये एक रेलवे कैरेज, ट्रैवलिंग रेलवे कैरेज है जिसमें स्लीपर बने हुए होते हैं। अच्छा। तो था, पर वो अंग्रेजों के लिए जैसे होता है ना, इनके अपने ठाट होते हैं फर्स्ट क्लास वाले, तो तीन सीटें थी, टॉयलेट था, अपना दरवाजा था, तो उसके अंदर ये एक ना प्लेटफॉर्म पे, एक खाली जगह पे, फॉरेस्ट के उधर पे ये लगा देते हैं। तो कहते हैं भैया आज रात को हम शिकार कर देंगे इसका, आप डरो मत। चार्ल्स नाम था उस लड़के का। तो ये अपना बैठ जाते हैं रात को, खाते पीते हैं, तो वाइन तो दे डू कंज्यूम, तो थोड़ा बहुत नशा चढ़ी जाता है यंग, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो ये आपस में बारी लगाते हैं कि 12 से 3 तू सोई हो, 3 से 6 मुझे, तो चार्ल्स कहता है कि तू मुझे 3 बजे जगा दियो, अभी मैं पहले सो लेता हूँ 12 से 3 में। तो इटालियन कहता है हाँ ठीक है ऐसे करके। तो इनके जो कूपा इस तरीके का था कि उसके पीछे बैक साइड पे कुलीस होते थे, कुलीस, तो वो अपने इकट्ठे डर के मारे, वो भी रेलवे कैरेज में ही सोते थे। तो ये इन्होंने दरवाज़ा हल्का सा लॉक करा और उन्होंने अपना ये बिस्तर सर बिछाया, और गर्मी अफ्रीका में होती है तो एक बीच की खिड़की खुली छोड़ दी हवा आने के लिए, और ग्रिल व्रिल तो उस टाइम होते जैसे देखते हो, अगर ग्रिल तो अभी लगनी शुरू हुई होंगी, खुला खिड़की होती थी रेलवे कैरेज की, और एक आगे मेन डोर जैसे होता है जो हम जोड़ते नहीं रेलवे में देखते हैं आने जाने के लिए, पैसेज यूज़ करते हैं, तो वैसे ही जैसे पेंट्री वाले यूज़ करते हैं रेल में, तो ऐसे ही वो बना हुआ था।
उसको इन्होंने क्या किया, लापरवाही की, पहले वाला तो सो गया, चाल सो गया 12 से 3, जिसने मारना था कि मैं सो जाता हूँ, और दूसरे वाला वहाँ पे लेट गया बैठ के कि मैं ऊँगता हुआ कि चलो मैं देखता हूँ। लायन नहीं आया क्योंकि लायन का तो टारगेट वो था ही नहीं। तो जब इन्होंने क्या गलती करी कि डॉक्यूमेंटेड है स्टोरी पूरी, उसमें इन्होंने वो जो मेन गेट अपना जो होता है कैरेज का, वो हल्का था, बस ऐसे भेड़ दिया, उसको लॉक नहीं करा, बस ऐसे शट डाउन कर दिया, वैसे लगा देते ना पाँव ऐसे करके, और बिस्तर नीचे लगाया हुआ अपना, बैड नीचे, एक नीचे सो गया, एक बीच वाले पे चार्ल्स हो गया, और उसके ऊपर एक और सो गया, तो ये अपना खराटे मार के सो गए। और 12 से 3 पे देखो लेजीनेस भी कितना नुकसान पहुंचाती है, 3 बजे एग्जैक्ट वो बंदा कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, उसने चार्ल्स को हाथ उठ करके उठाया कि भैया तू उठ जा, अब मैं सो रहा हूँ, तेरी बारी है। यहाँ पे चार्ल्स चूक कर गया, उसने कहा हाँ चल, नींद में जैसे होते हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंटेड है स्टोरी कि मैं उठता हूँ, ऊँगने लगा, हाँ मैं उठता हूँ, चल तू लेट जा, वो लेटा इतने में, इतनी देर बस उसने करी कि तू उठता है, वो दूसरा लेटा, तो लायन जो है उसने जो मेन कैरेज का उसको खोल लिया, ये ओपन लिड प्रॉपर, अब वो खड़ा ही हूँ ऐसे और ये देख रहा है, और जो नीचे सो रहा था उसके ऊपर से चढ़ के उसने चार्ल्स को पकड़ के खिड़की से निकल के भाग गया। तो ये कहानी इसकी जो है मैनिटर की है, इतना ड्रेडफुल और फ्राइटनिंग। जो ऊपर वाला था वो ऊपर से कूदा और दूसरे कुली रूम में घुसा, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ अपने टारगेट को चुना, चार्ल्स को। तो उसके बाद किसी ने इनाम रखा और किसी रेलवे ऑफिशियल ने उसे शूट किया, लायन, उसकी फ़ोटो भी है लायन की गूगल में, कि बहुत बड़ा बिग लायन, इट वाज अ बिग लायन। तो ये लायन ऑफ कीमा बहुत ख़तरनाक रहा, मतलब इतना ड्रेडफुल, इतना करेजियस, आप वो मतलब बहुत डिफरेंट है ये, मतलब कहानी की एक उसके अंदर में कैरेज में जाए, और जो सोचो इटालियन के, उसको कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर पाँव रख के इसको पकड़ा और खिड़की खुली हुई थी हवा आने के लिए, उसी में से निकल के भाग गया, ऊपर वाला उसके ऊपर लायन से कूदा और दूसरे कुली रूम में घुस गया, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। तो ये इतने कनिंग और वो होते हैं, जो प्रश्न कर रहे थे बीच में छूट गया था, कि लायंस हो या टाइगर्स हो, ये इतने कनिंग क्यों हो जाते हैं, इतने स्मार्ट क्यों हो जाते हैं, ये गॉड नोस क्यों हो जाते हैं, लेकिन ये जब मैन ईटर टर्न कर जाते हैं तो बहुत इनको चलाकी आ जाती है, चलाकी आ जाती है, और हमसे ज़्यादा आगे ये सोचते हैं, बिहेवियर जो है कम्प्लीटली बदल जाता है, एक नॉर्मल टाइगर से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते एक आदम को। थोड़ी बहुत जो हमें किसी को मिलते हैं किससे, कि कॉर्बेट रिजर्व से पीछे शुगर केन मैन ईटर भी हुई थी टाइगर्स, और बीच में अभी पीछे दिकाला से भी सुने थे, तो ये होते रहते हैं, अभी खैर मोहान का भी हुआ है, तो ये जो होते हैं इधर हो रहे हैं, लेकिन जो अगर हम देखें तो रणथंभौर के टाइगर्स हैं, उनका इतना एक उस्ताद का ही सुना था जो कंट्रोवर्शियल रहा था काफ़ी, तो वहाँ के टाइगर्स दे आर काम पीसफुल, और यहाँ कुछ ज़्यादा थोड़े नॉटी हैं, क्या रीज़न है? मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहले तो कॉर्बेट सुंदरबंस इंडिया के अंदर दो ही ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे टाइगर्स ने सबसे ज़्यादा लोगों को मारा है, साउथ में भी अगर हम कंपेयर करें तो उतना नंबर्स शायद नहीं होंगे, मारा है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ नहीं मारा है, मारा है, बट नंबर्स आर क्वाइट लेस। कॉर्बेट में तो सर शुरुआत से ही, जैसे कि हमने किताबों में पढ़ा है, हैज़ ऑलवेज बीन वेदर इट्स अ लेपर्ड और इट्स अ टाइगर, हाँ उत्तराखंड में, हाँ तो उत्तराखंड में मैक्सिमम नंबर है लेपर्ड्स के, लेपर्ड उत्तराखंड का, लेपर्ड सबसे ज़्यादा है, एंड अगर नोट भी किया जाए उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ्स जो ह्यूमंस की हुई हैं वो लेपर्ड्स के हाथ है, टाइगर्स का नंबर आता है। अब यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगा कि रणथंभौर के अंदर ऐसा आपने करेक्टली बोला उस्ताद, जिसके साथ में वो कंट्रोवर्शियल रहा है कि कोई कहता है कोई नहीं, उसकी, जी हाँ, तो सर 3 किल तो उसके हाथ हुए थे ही हुए थे, उसने मारा था गेसू सिंह जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनको मारा था, फिर उसके बाद रामपाल सैनी जो आखिरी शिकार था उनका, हाँ, और एक और थे उनका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं वो एक लड़का था जो लकड़ी तोड़ रहा था लड़का कोई, उसका नाम मुझे याद नहीं, बट वो आई थिंक जब मैंने दौलत सिंह जी के सामने शूट किया था तो सर ने उसका नाम दिया था। अच्छा, 3 लोग तो थे, ये 3 लोग थे जिनको उसने मारा था, अदरवाइज पीसफुल ही रहता है वहाँ पे, कोई ऐसे हुआ क्या था कि सर जब मारा था तो उसने बॉडीज को कंज्यूम नहीं किया, नहीं किया, अब वो एनटीसी का जो प्रोटोकॉल है वो मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जब तक वो 5 से 6 बार तक मारेगा एक और खाएगा नहीं। तो डिफरेंस क्या है इनका? सर डिफरेंस ये है कि एक तो हमारे फॉरेस्ट छोटे होते जा रहे हैं, इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है, प्रे बेस कम, ये 2 सबसे मेन रीजन है ज्यादा है। और तीसरा जो है मैं ये बोलूंगा कि जो डोमिनेंट टाइगर्स जो कि रेजिडेंट टाइगर्स है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं वहां पे,
जो प्राइम में अपने इस टाइम पे, जो 6 से 8 साल का जो उनका टाइम होता है टाइगर का, टाइग्रेस का, वो टेरिटोरियल फाइट्स में जब ये यंग टाइगर्स के साथ में आते हैं, जो सब अडल्ट के साथ में आ गए या एक और डोमिनेंट के साथ में आ गए, उनको हरा दिया, दे पुश देम, पुश देम आउट ऑफ द टेरिटरी, क्योंकि वो एरिया उनका है, वहां पे उनको पानी भी मिलेगा, प्रेबिस भी अच्छा मिलेगा, एंड एज वी नो टाइगर्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स, उनको अपनी टेरिटरी के अंदर ना कोई इंसान बर्दाश्त है ना ही कोई दूसरा टाइगर बर्दाश्त है, फीमेल्स आर अलाउड बिकॉज वो मीटिंग करने के लिए, तो ये तो वो जो पुश करेगा उनको बाहर, तो उस बेचारे के पास तो जगह नहीं होगी, अब वो किसी और जगह में जाएगा, वहां पे उसको कोई और मिलेगा, और एंड में क्या होता है कि भूख तो लगेगी सबको, एंड व्हेन ही इज नॉट गेटिंग हिज ओन एरिया, जब उसको उसका खुद का खाना भी नहीं मिल रहा है, देन ही विल गो टुवर्ड्स ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटलमेंट्स। कुछ हाईवेज भी बीच में निकलने का रीजन भी है, डीफॉरेस्टेशन, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ये तीन सबसे बड़े हैं आज की डेट में। जंगल कट रहे हैं, हम अंदर घुसते जा रहे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये तो सर मेन है कि कोविड में इस टाइम पे ये हो रहा है, कोविड में टाइगर का नंबर बहुत अच्छा बढ़ा है सर, बहुत अच्छा बढ़ा है, लेकिन जगह कम पड़ रही है। आज की डेट में अगर रणथंभौर के एरिया को देखोगे, इट इज 1700 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, कॉर्बेट इज 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। अगर हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात करते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है जिसमें टाइगर सर्वाइव करता है, जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। नाउ कॉर्बेट का अगर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया है, वो है 520 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके अंदर आपका डिकाला, बिजरानी, झिरना, ये सब मेन मेन जोन आ जाते हैं। उसके बाद आपका 320 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो आपका सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऐसे में आपका बढ़ जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं कि लैंडस्केप फॉरेस्ट, जिनको हमने सबको जोड़ लिया है ताकि एरिया जो टाइगर के लिए और ज़्यादा मिल रहा है, ताकि वो आराम से घूमे। तो ऐसे अभी जैसे कि पावलगढ़ हो गया, उसको भी अभी ये डेवलप कर रहे हैं, हाँ डेवलप कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने कॉबर्ट लैंडस्केप के नाम से जगह दी है। तो फाटो गेट भी फाटो तो प्रॉपर कॉबर्ट का पार्ट है। फिर आपका लैंडस्डाउन डिवीजन आ गई, आपका अगर झिरना अगर कभी जाओगे वहाँ पे अमनगढ़ रेंज लगती है, वो भी अब इन्होंने ऐसे इनकॉर्पोरेट कर लिया कि टाइगर चलो माइग्रेट तो करे, जगह तो मिले, जो कि बिजनौर फॉरेस्ट डिवीजन का पार्ट आता है, जो कि साउथ में पड़ता है झिरना जोन का। और एक और पॉइंट बोलूंगा सर, जो चौथा मेन पॉइंट है, जो गांव है, जैसे कि सुंदरखाल की अगर हम बात करें, सुंदरखाल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बीच में बसा है, उसका तो इंटरेक्शन रोज ही होता है, अभी भी है वहीं पे कि... सर, अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने वहां पे लकड़ की फेंसिंग लगाई हुई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग नहीं है, जैसे कि पार्क्स के अंदर जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये बड़ा बहुत बड़ा कंसर्न है, इसमें कॉबर्ट ऑफिशियल्स ने भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करी है, एनटीसी द्वारा भी अभी तक वहाँ पे फेंसिंग नहीं लगाई गई है। कम से कम एनटीसी से मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम उनको फेंसिंग दे दो, जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, एटलीस्ट गांव वाले बच जाएंगे। मैं पूरे पार्क चलो होप फॉर द बेस्ट, लगा दो यार, इंसान की जान जरूरी है। अब एक तरफ हम टाइगर को बचा रहे हैं, लेकिन इंसानों को भी तो बचाना जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली सर होता क्या है, मिलते ही रहना। में भी देखा है कि अगर कल को फिर सुंदरखाल जैसा दोबारा कोई हादसा हो गया, गांव वाले तो सर इंडिया में सबसे बड़ी जो चीज है जो मॉब को हैंडल करना है वो नहीं कर सकते सर, वो बहुत मुश्किल होता है। डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे तो है ही है, देखिए हमारे देश में मोस्टली गांव की रहती है, मिलके ही रहना है सबने, विलेज आपस में बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मामला है कि टाइगर और इंसान साथ में नहीं रह सकते। हाँ वो आप नहीं रह सकते, क्योंकि टाइगर एक बार बाहर निकल गया वो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट करके ही ये करेगा, मानेगा, और ये हुआ है। But people go into forest for their livelihood and everything. गवर्नमेंट इतना तो कर सकती है कि उनको लकड़ियां सप्लाई कर दे, फ्यूल वुड सप्लाई कर दे, बायोगैस प्लांट्स लगा रहे ताकि घर में उनके चूल्हा। हाँ वो मैं देखा था, खंबे तो उनके घरों के पास से जा रहे हैं लेकिन लाइट नहीं है उनके लिए अभी, तो वो देखा मैंने, स्कूल टूटा फूटा स्कूल है, वो काफी स्ट्रगल तो कर रहे हैं, नो डाउट। कभी कोई सुने थोड़ा पर्सनली, आप कभी जब गुजरोगे ना, जब मैं तो पता नहीं कितनी बार गुजरा हूँ, गया भी हूँ अंदर, आज भी जब मैं गुजरता ना सर, मंजर और वो जो खौफ है, सही में बता रहा हूँ सर, मेरे दिल को जकड़ लेता है वो जो टाइगर का। दूसरा जब हमारी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, वो। और आज भी मैं इधर उधर देखता हूँ, मेरे को अंदर से कुछ लगता है कि कुछ चल रहा है मेरे साथ में वाकई में। वो नाम ही उसका इतना ना सुंदरखाल, उस टाइगर ने उस छोटे से गांव को सर हेडलाइंस तक पहुंचा दिया था पूरा का पूरा। तो ये था ये बुक, तो सर को मैं थैंक यू दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैं इनको नवंबर रेन भी देना चाहता हूँ, ये भी पढ़ें, थैंक यू। थ्रिलिंग के अलावा ये भी थ्रिलर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक नवंबर रेन, इट्स अ स्टोरी ऑफ एंग्लो इंडियन गर्ल एशले कोलमैन, तो ये भी थ्रिलर है।
अच्छी थ्रिलर है, फिक्शनल है बट थ्रिलर है। माय फादर विल लव दिस। या फादर भी जो है वो शो शो बहुत बुक्स पढ़ते हैं। और रिवेंज ऑफ ह्यूमैनिटी तो मैंने दे ही दिया ध्रुव को, तो ये दोनों वो एक दिन में खत्म कर दूंगा। मैं भी खत्म करूंगा बट पहले मैं ये पढ़ूंगा। पहले आप पढ़िए, जरूर पढ़िए एंड प्लीज डू मेंशन अबाउट इट। जी सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग द सब्सक्राइबर्स। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सर। सब कुछ जो है वो इन्हीं के लिए है, इन्हीं के लिए। वेरी थैंकफुल टू यू। और ये है तो हम हैं। और भूल चूक माफ अगर स्टोरी सुनाने में या किसी चीज में बोलने में भूल चूक माफ, पर आप लोगों ने वीडियो देखा और उसको अगर पसंद किया तो बहुत बहुत थैंक यू।